महेश्वर तहसील की ग्राम पंचायत भुदरी में नई ग्राम सरकार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पंचायत चुनाव के संपन्न होने के करीब एक पखवाड़े बाद आज नए सरपंच, उपसरपंच और सभी पंचों ने पदभार ग्रहण किया है। भुदरी पंचायत के भवन में सरपंच सगुणाबाई शेरसिंह भावरे, उपसरपंच ख्याली राम भगवान पाटीदार व सभी पंचों ने शपथ ली। सर्वप्रथम देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण गांव के पटेल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पूर्व सचिव नवीन शर्मा और नोडल अधिकारी सतीश चौहान ने उपस्थित सभी सरपंच, उपसरपंच, पंचों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई एवं सभी पंचों सहित सरपंच, उपसरपंच को बधाई दी। इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी मौजूद थे। महेश्वर तहसील से दिलीप यादव की रिपोर्ट। पद के जो पद भार पर जो कार्यक्रम रखा गया उसमें आप क्या कहना चाहोगे? सरपंच प्रतिनिधि, जो सरपंच प्रतिनिधि हूँ, ग्राम का सभी ग्रामवासियों को अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आपने गांव में जो सरपंच पद भार और जो प्रतिनिधि बने उसके पहले आपने सोच रखा होगा गांव में किस प्रकार के योजनाएं, क्या क्या समस्याएं, पूरे गांव की समस्या जो भी होगी उसका निराकरण किया जाएगा और समस्या का हल किया जाएगा। और जो भी होगा वो गांव का पानी है, स्कूल है, ये सभी को ध्यान रखते हुए गांव को सर्वपथ सरपंच प्रतिनिधि। क्या नाम है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह भावरे। मैं यह भी संकल्प लेता हूँ कि मैं जाति धर्म या संप्रदाय के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करूँगी। आप सभी का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं तरफ से। पंचायत भुदरी में किस प्रकार का कार्यक्रम किया गया और क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज ग्राम पंचायत भुदरी में सरपंच, उपसरपंच और पंच का पदभार ग्रहण करवाया है और सभी ग्रामवासियों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने अच्छा सहयोग करा है और जो भी गांव का विकास होगा वो अच्छी तरह से ग्राम पंचायत का विकास करेंगे। जैसे स्कूल का हो, स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम हो, पेयजल का कार्यक्रम हो, नाली का काम हो, हर महीने की मीटिंग रखेंगे, उसमें प्रस्ताव, ठहराव प्रस्ताव होगा और उस हिसाब से ग्राम पंचायत का विकास करेंगे। यहाँ पर कुल कितने पंच हैं आपकी ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत भुदरी में 20 पंच है और एक उपसरपंच, में ख्यालीराम पाटीदार। आपने अभी तक गांव में कौन कौन से मेन मुद्दे हैं जो आपने अभी तक उन पर गौर करा है और सभी से मिलकर जो कार्य करवाएंगे, क्या है मेन मुद्दा? खास मुद्दा है पेयजल का, और पेयजल का मेन मुद्दा है क्योंकि बहुत समस्या है पेयजल की। उसके बाद में शिक्षा विभाग का, स्कूलों में बहुत समस्या है, उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। मध्याह्न भोजन का भी विशेष ध्यान रखेंगे और खरंजा है, नाली निर्माण है, क्योंकि बारिश के मौसम में नालियां भी बहुत चौक हो रही है, उसमें भी विशेष ध्यान रखेंगे। और अभी ग्राम पंचायत जो आपने कार्यक्रम करा इसमें कितने लोगों की उपस्थिति रही है? यहाँ करीबन ग्राम पंचायत भुदरी में 100 प्रतिनिधि आए हुए हैं, ग्राम नागरिक, उनके अंतर्गत यहाँ पे पदभार का कार्यक्रम हुआ है। आप शुभ नाम क्या लिखते हैं? ख्यालीराम पाटीदार। कहाँ से? भुदरी से। भुदरी ग्राम उपसरपंच। आज हमने ग्राम पंचायत भुदरी में हमारे चैनल के माध्यम से कवरेज किया था। ग्राम पंचायत भुदरी में सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों को पदभार ग्रहण किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी एवं ग्राम पंचायत सचिव नवीन जी शर्मा और सारे ग्राम के अधिकारी एवं गणमान्य यहाँ पर उपस्थित हैं। इनकी सभी की उपस्थिति में सरपंच और पंच को पदभार ग्रहण किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।